नमस्कार मित्रों, मैं एमएस योगी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और किसान आंदोलन होने के कारण क्या रहे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और पास में ही जो बेल आइकन का निशान है उसको दबाएं, जिससे कि आपको हमारी जो वीडियो जाती है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसान आंदोलनों में पढ़ेंगे। किसान आंदोलनों, जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसका कारण क्या रहा था। तो कारण बात उस जमाने की है जब ब्रिटिश सत्ता थी और ब्रिटिश सत्ता में जो यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा और महाराजा, जागीरदार, ये सभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन कार्यरत थे, ब्रिटिश सत्ता के अधीन। तो दोस्तों, किसानों के ऊपर कई प्रकार की लाग बाग कर लगा दिए गए थे, जिससे किसान व्यथित हो गए और उस समय उनको नेतृत्व की जरूरत थी, एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत थी और उनका नेतृत्व राजनीतिक क्रांतिकारियों ने किया, राजनीतिक क्रांतिकारियों ने। और इन राजनीतिक क्रांतिकारियों की अध्यक्षता में किसान एकत्रित हुए और उन्होंने किसान आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तो उस समय की बात है, सबसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था बिजौलिया में, बिजौलिया। और ये बिजौलिया जो नामक स्थान है वो भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा में। दोस्तों, बात करते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। तो सबसे पहले बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 ईस्वी में। दोस्तों, बिजौलिया किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत होती है 1897 ईस्वी से, और जो बिजौलिया किसान आंदोलन है, ये बिजौलिया जो स्थान है, ये उपरमाल जागीर का गांव है, उपरमाल जागीर। दोस्तों, ये उपरमाल जागीर जो राणा सांगा थे, राणा सांगा ने अशोक परमार और अशोक परमार नाम का जो व्यक्ति है, ये इसका संबंध है जगनेर से, जगनेर भरतपुर से। इसको ये जागीर के रूप में दी थी, जागीर के रूप में। दोस्तों, बिजोलिया, बिजोलिया उपरमाल जागीर का एक गांव है और ये उपरमाल जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार, जो कि जगनेर भरतपुर से था, इसको जागीर के रूप में दी थी। और इस जागीर में, इसी बिजोलिया में, यहाँ के किसानों पर, बिजोलिया में यहाँ के किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा रखी थी, 84 प्रकार की लाग बाग। लाग बाग कहते हैं टैक्स को, यहां के किसानों से 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। और जो यहाँ का जागीरदार था, जागीरदार, और जागीरदार का नाम है दोस्तों कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह नाम का एक जागीरदार था जिसने 84 प्रकार की लाग बाग लगा रखी थी किसानों के ऊपर। तो लगभग 1/3 भाग किसानों का टैक्स के रूप में चला जाता था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने एक योजना बनाई, और योजना क्या बनाई थी कि यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक शासक था यहाँ का फतेह सिंह, और फतेह सिंह के पास में उन्होंने जाने का विचार रखा। और विचार में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया गया, और सभा किस प्रकार से आयोजन किया था उसने उन्होंने ये बात 1897 ईस्वी की है। और इसी के दौरान 1897 में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, और सभा का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता साधु सीताराम ने की थी, साधु सीताराम ने इसकी अध्यक्षता की। और इसके प्रतिनिधि के रूप में जो चुना गया था प्रतिनिधि,
और उन व्यक्तियों के नाम हैं नानजी और ठाकुरे पटेल। ठाकुरे पटेल इन दो व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था कि यहाँ का जो जागीरदार है कृष्ण सिंह ने किसानों के ऊपर 84 प्रकार की लाग भाग लगा रखी है। इन बातों से दुखी होकर एक सभा का आयोजन करते हैं जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, साधु सीताराम। और इसके प्रतिनिधि की इस बात को महाराजा के पास कौन पहुंचाएगा, तो पहुंचाएगा कौन, नानजी और ठाकुरे पटेल। जब इस बात का पता कृष्ण सिंह को चलता है कि उसके विपक्ष में और महाराजा फतेह सिंह के पास में एक मंत्रणा एक योजना गई है, तो इस पर फतेह सिंह ने कोई विचार नहीं किया। इससे कृष्ण सिंह और खुश हुआ और किसानों के ऊपर उसने एक और कर बढ़ा दिया जिस कर का नाम है चवरी कर। चवरी कर, चवरी कर होता है कि जो किसान लोग होते थे किसानों की लड़कियों की शादी पर, लड़कियों की शादी पर 5 रुपए का टैक्स था उस समय, 5 रुपए का टैक्स, ये 5 रुपए का कर दिया जाता था। लड़कियों की जब शादी होती थी तो उनपे से 5 रुपए टैक्स के रूप में लिए जाते थे। दोस्तों 1903 में ये कर लगाया गया और इस कर को लगाते ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी बात कर रहे हैं हम, कृष्ण सिंह की। दोस्तों इनका एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने 1906 में और एक नया कर लगा दिया जिस कर का नाम था तलवार बधाई कर। ये जो कर था ये दिया तो जाता था जागीरदार को, लेकिन जागीरदार ने इसको भी किसानों के ऊपर थोप दिया और किसान इस बात से क्या हो गए, दुखी हो गए। तो दोस्तों तलवार बधाई कर इन्होंने किसानों के ऊपर थोप दिया और किसान इस बात से व्यथित हो गए। तो 1916 में साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन में सम्मिलित हो गए और 1917 में इन्होंने ऊपर माल किसान पंच बोर्ड ये हरियाली अमावस्या के दिन उन्होंने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। दोस्तों 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इसमें शामिल हो गए, 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी हरियाली अमावस्या के दिन। इसके बाद में क्या होता है, 1927 में विजय सिंह पथिक का मतभेद हो जाता है माणिकलाल वर्मा के साथ, माणिकलाल वर्मा से जैसे ही इनका मतभेद हो जाता है तो इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं कौन, उस समय माणिकलाल वर्मा 1927 से लेकर 1941 तक इसकी अध्यक्षता की। और दोस्तों हरियाली अमावस्या के दिन जिस किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी इसका अध्यक्ष बनाया गया था मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और 1927 में विजय सिंह का मतभेद हो जाता है माणिकलाल वर्मा के साथ, 1927 से लेकर 41 तक के मध्य माणिकलाल वर्मा ने इसका संचालन किया बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो यह आंदोलन
सबसे लंबा और सबसे पहला आंदोलन है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए इसको। इसमें आता है सबसे पहले कि जो बिजोलिया किसान पंच बोर्ड है, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 ईस्वी से, और 1897 ईस्वी में बिजोलिया जो कि ऊपरमाल जागीर का एक गांव था, और ऊपरमाल जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार जिसका संबंध जगनेर भरतपुर से है इसको दान में दी थी ये जागीर के रूप में। और यहाँ का जो जागीरदार था वो जागीरदार का नाम है कृष्ण सिंह, और कृष्ण सिंह ने यहाँ के किसानों पर लगभग 84 प्रकार की लाग बाग लगा रखी थी। इन लाग बागों से दुखी होकर यहाँ के किसान महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो करता है वो करता है साधु सीताराम दास, और इसके प्रतिनिधि के रूप में नानजी ठाकरे पटेल को भेजा गया। ये इन्होंने एक आयोजन किया था, गिरधारीपुरा गांव है, एक गिरधारीपुरा गांव में, और धाकड़ जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं। धाकड़ जाति में एक नुक्ते का आयोजन किया गया था। नुक्ते के आयोजन में एक मीटिंग रखी गई जिसकी अध्यक्षता साधु सीताराम दास ने की, और प्रतिनिधि के रूप में नानजी ठाकरे पटेल को यहाँ भेजा गया। नानजी ठाकरे पटेल जैसे ही फतेह सिंह के पास जाते हैं तो फतेह सिंह इनसे कुछ नहीं कहते, और कृष्ण सिंह दोबारा से इन पे लाग बाग बढ़ा देता है एक, और उस लाग का नाम है चौरीकर। दोस्तों ये जो प्रतिनिधि होते हैं दोनों को निष्कासित कर देता है कृष्ण सिंह। हरजाना देने के बाद में इनका निष्कासन रद्द किया गया था, फिर से वापस इनको इनकी जागीर प्रदान की गई। 1903 में इन्होंने किसानों के ऊपर चबरी कर लगा दिया। चबरी कर होता था कि किसानों की जो लड़कियां होती थी उनकी शादी पर 5 रुपए का टैक्स लिया जाता था। 1903 में जैसे ही कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है तो उनका पुत्र जो उत्तराधिकार कर के रूप में तलवार बंधाई कर लगा देता है किसानों के ऊपर 1906 में। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इसमें शरीक हो जाते हैं, और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन किसान पंच बोर्ड, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर देते हैं, और 1927 में विजय सिंह से मतभेद हो जाने के कारण माणिकलाल वर्मा से मतभेद हो जाता है विजय सिंह का, और इसके बाद में 1941 में इस किसान आंदोलन का ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन, और बेंगू किसान आंदोलन हुआ था 1921। बेंगू पहले भीलवाड़ा में स्थित था, और वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जो बिजोलिया के किसान थे, बिजोलिया के किसानों से प्रेरित होकर, बिजोलिया के किसानों से प्रेरित होकर, बिजोलिया के किसानों से प्रेरित होकर यहाँ के किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए, मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए, और इनका जो उद्देश्य था वो लाग बाग के विरुद्ध में एकत्रित हुए थे। ये जो लाग बाग बढ़ा रखी थी, लाग बागों से दुखी होकर ये यहाँ के धाकड़ जाति के लोग थे जितने भी थे वो एकत्रित हुए थे मेनाल नामक स्थान पर, और इन्होंने एक सभा का आयोजन किया, और उस सभा की अध्यक्षता की थी राम नारायण चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की। दोबारा से सुन लीजिए, बेंगू किसान आंदोलन 1921 से प्रारंभ हुआ, पहले भीलवाड़ा में था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जैसे बिजोलिया के किसान एकत्रित हुए थे, उन्होंने आंदोलन किया था, उन्हीं से प्रेरित होकर यहाँ के किसान भी मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं, और इस एकत्रित होने पर यहाँ की जो अध्यक्षता कर रहा था किसानों की वो था राम नारायण चौधरी, और ये एकत्रित हुए थे लाग बाग के विरोध में।
लाग बाग के विरोध में ये एकत्रित होते हैं। और जो यहाँ का जागीरदार था, जागीरदार का नाम था अनूप सिंह ने किसानों की सारी बातें मान ली और इनके मध्य एक समझौता हो जाता है। किसान प्लस जागीरदार का नाम है अनूप सिंह, दोनों के मध्य एक समझौता होता है और पूरे लाग बाग इन पर से हटा दिए जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश सत्ता जो थी, यानी जो सरकार थी, उसने इस समझौते को नहीं माना और बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। जो किसान और जागीरदारों के मध्य समझौता हुआ, उस समझौते को सरकार ने नहीं माना और उस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। और इसके लिए एक आयोग बैठाया, जिस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग की समीक्षा हुई थी 13 जुलाई 1923। इस समीक्षा के लिए यहाँ के जो किसान थे, वो एक स्थान है गोविंदपुरा नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे और यहाँ एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई गई जिसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए। तो राजस्थान का वो कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए, तो वो किसान आंदोलन कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन। यहां पर सेना की गोलियों द्वारा जो शहीद हुए थे, उनमें जिनका नाम आता है रूपाजी और कृपाजी, दो किसान हैं, वो क्या हो गए? शहीद हो गए। कृपाजी शहीद होने के बाद में 1923 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी विजय सिंह पथिक ने इसकी अध्यक्षता की। लेकिन 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके बाद में इसकी अध्यक्षता की थी इसके बाद में इसकी अध्यक्षता की थी माणिकलाल वर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। 1925 में किसानों की सभी बातें मान ली गई और यह आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों, ये तो था बेंगू किसान आंदोलन। एक बार दोबारा से देख लीजिए, बेंगू किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत 1921 से मानी जाती है। पहले जो बेंगू था वो भीलवाड़ा में था, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। और ये जो यहाँ के किसान थे, वो प्रेरित हुए थे, बिजौलिया के किसानों से प्रेरित हुए और मेनाल नामक स्थान पर इन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा की जो अध्यक्षता की थी, वो की थी राम नारायण चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की। और इसके बाद में यहाँ के अगर जागीरदार की बात करते, तो यहाँ का जागीरदार था अनूप सिंह। किसानों ने और अनूप सिंह जो जागीरदार था, इस अनूप सिंह ने किसानों की बातें मान ली गई थी क्योंकि लाग बाग के विरोध में ये यहाँ एकत्रित हुए। लेकिन सरकार ने जो इनकी बातें मानी थी, इस समझौते को उन्होंने बोल्शेविक समझौते
किसान और जागीरदारों का जो समझौता हुआ उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। इसके ऊपर एक आयोग बिठाया गया जिस आयोग का नाम दिया गया था ट्रेंच आयोग, और इसकी समीक्षा के लिए यहाँ के किसान गोविंदपुरा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। इन किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई जिसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए। इसके बाद में जो अध्यक्षता की थी वो विजय सिंह पथिक ने की, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद इसकी जो अध्यक्षता की थी माणिकलाल वर्मा ने, और 1925 में जाते जाते किसानों की सारे बातें मान ली गई थी और जितने भी लाग बाग लगे हुए थे इन पर सबको रद्द कर दिया गया। इसके बाद में यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।